बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 रिव्यू एक्सरसाइज 3 में आपको करवा रही हूँ। रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट द वैक्टर्स दिस दिस एंड दिस, यानी ए बी सी, आप इनको नाम दे लीजिए। 3 वैक्टर्स आपको यहाँ पर गिवन है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आपने फाइंड आउट करना है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब इसके लिए क्या आपके पास जो है वो आपने यूज़ करना है मेथड कि आप इसको प्रूव कर सकें कि ये वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो इसके लिए हमें जो गिवन है कि आपके पास परपेंडिकुलर कहें या ऑर्थोगोनली कहें कि आपके पास ये ऑर्थोगोनल है, आपसे यहाँ पर कह सकते थे कि म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थोगोनल मीन्स भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। 2 नॉन जीरो वैक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल इफ़ द एंगल बिटवीन दैम इज़ पाई बाई टू एज शोन इन फिगर। ये परपेंडिकुलर का होंगे जब इनके दरमियान पाई बाई टू का एंगल बनेगा, मीन्स 90 का एंगल बनेगा, क्योंकि जब दो चीज़ें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके दरमियान बनने वाला एंगल 90 होता है, यानी पाई बाई टू होता है, ठीक है। फॉर सच वैक्टर्स वी हैव ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। तो आपके पास ए डॉट बी यानी कि उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आए तो इट मीन्स ये ऑर्थोगोनल है, ठीक है। कन्वर्सली If A and B are non-zero orthogonal vectors with A dot B, A की magnitude, B की magnitude, cos theta is equals to zero, देन cos theta इज़ इक्वल्स टू जीरो और थीटा जो है वो cos इनवर्स जीरो होके पाई बाई टू आ जाएगा, ठीक है। आपके पास अभी फ़िलहाल तो हमें ये मेथड को यूज़ करना, हम इस पर नहीं जाते नीचे वाले पे, क्योंकि हमें अभी जो 3 वैक्टर्स गिवन है, तो 3 वैक्टर्स गिवन है a डॉट b इक्वल आएगा जीरो के। इसी तरह से हमें a डॉट c भी प्रूफ करना होगा और इसी तरह से हमें b डॉट c भी प्रूफ करना होगा कि ये जीरो के इक्वल है, तभी आपस में क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है। कंडीशन मैंने आपको बता दी हमें किस तरह से रखनी है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब हम नाम दे रहे हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू 1/7 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी इज इक्वल्स टू 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, सी इज इक्वल्स टू 4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 5 के कैप। अब हमारे पास ये ए बी सी 3 वैक्टर्स है, अब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम देंगे कि इफ ए बी एंड सी, अगर ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट सी इक्वल्स टू सी डॉट ए, या ए डॉट सी इक्वल आना चाहिए किसके, जीरो के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब हम प्रूफ करेंगे, फाइंड ए डॉट बी। ए डॉट बी मालूम करने के लिए हमें एक डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा बी के साथ, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए वेक्टर है 1/7 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप मल्टीप्लाइंग बाय 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, ए डॉट बी मल्टीप्लाई करें आई आई से, जे जे से और के से मल्टीप्लाई होता है, तो 1/7 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2/7 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया आपके पास 1
टू ज़ा टू अपॉन सेवन। इसी तरह आई कैप, आई कैप से जब मल्टीप्लाई हुआ तो आई कैप का स्क्वायर हो गया, और आई कैप का स्क्वायर इक्वल्स टू जे कैप का स्क्वायर इक्वल्स टू के कैप का स्क्वायर, ये इक्वल होता है वन के। तो इसकी जगह आपने पुट नहीं करना है, वन ही शो कर दिया बस हमने कि वन के इक्वल होता है, तो हम इसे नहीं लिख रहे। प्लस माइनस माइनस, वन थ्री ज़ा थ्री, प्लस प्लस प्लस, वन थ्री ज़ा थ्री। तो यहाँ से ये वन अपॉन सेवन है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में ही कोई मिस्टेक है, क्योंकि आपके पास जब शो दैट कहा जाता है तो आपके पास साबित होता है कि आपके पास ये ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनली परपेंडिकुलर है, या कह सकते हैं परपेंडिकुलर है, बट यहाँ पर ये नहीं प्रूव हो रहा, क्योंकि देखिए प्लस थ्री माइनस थ्री से कैंसिल हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है, मगर टू अपॉन सेवन बच रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपके पास कोई मिस्टेक है बुक में, मैंने रीचेक भी किया क्वेश्चन को बुक से। तो वन अपॉन सेवन आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस थ्री के कैप। तो ए और बी आपके पास ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं हो रहे हैं, तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर लें अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको प्रूफ कर कर दिखाना है, तो मैं जो है वो वेक्टर की जो वैल्यूज़ हैं उनको जो है वो अगर चेंज करूं तो शायद मे बी ये प्रूव हो जाए, बट चेंज करने का यहाँ पर देखें कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन को मैंने आपको जो है वो सिंप्लीफाई कर कर ही दिखाना है, अगर मैं इसको तब्दील ही कर दूं तो फिर क्या फ़ायदा। तो अगर हम इसको जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी पेज नंबर 100 पर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इस तरह से ये होता है आपके पास। देखें फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, थ्री टू ज़ा सिक्स प्लस माइनस माइनस, और टू सेवन ज़ा फोर्टीन। माइनस माइनस हुआ क्या आपके पास, प्लस, फोर्टीन और फोर हो गए ट्वेंटी, ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन क्या माइनस का फाइव आया, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये परपेंडिकुलर नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर भी ये आपके पास नहीं आ रहा, तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, बट यहाँ पर जब शो दैट कहा जाता है ना, तो उस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 100% प्रूव होना चाहिए जब आपसे शो दैट कहा गया, बट यहाँ पर नहीं प्रूव हो रहा, तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि ए ये बी और सी भी आपके पास नहीं प्रूफ करेंगे। देखें टू फोर ज़ा एट, माइनस प्लस माइनस, थ्री वन ज़ा थ्री, और थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, माइनस का फिफ्टीन माइनस का थ्री हो गया माइनस का एटीन, और ये प्लस का एट बचा हुआ होगा, तो ये भी प्रूफ नहीं हो रहा, तो ये क्वेश्चन में ही गलती है, क्वेश्चन इज़ रॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन रॉन्ग है। अब इसकी जगह हम कोई और क्वेश्चन भी करें, तो अगर आपको जो है वो कोई भी क्वेश्चन आपके बुक में मौजूद हो, ठीक है, तो आप प्रूफ कर सकते हैं। बस आपने करना क्या होगा, आपको अगर ऑर्थोगोनली या परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, तो आपने करना है ए डॉट बी वेक्टर फाइंड करना है, वो ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। बी डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू सी डॉट ए, ये आना चाहिए इक्वल। अगर ये इक्वल आ गया तो आपके पास परपेंडिकुलर है, ठीक है, आपस में ये वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अब ये मेरे पास जो है वो एडिशन इसी साल का है, क्योंकि बुक जो चेंज हुई है वो उसमें भी मैंने क्वेश्चन देखा है, ठीक है, ये आपके पास जुलाई 2023 का एडिशन है, मेरे पास नई बुक है, ठीक है, इसके अंदर भी आपके पास, ठीक है, ये देखिए मेरे पास न्यू बुक है। अब इसमें भी क्वेश्चन की मिस्टेक ठीक नहीं की गई है, तो क्वेश्चन आपके पास भी ऐसा ही होगा। लास्ट बुक मैंने पुराने बुक से भी किया है, तब वैसे ही क्वेश्चन है मेरे पास, लास्ट ईयर की भी बुक है, तब भी उसमें भी यही क्वेश्चन मौजूद है, इसमें भी यही क्वेश्चन मौजूद है, तो इसको करेक्शन, इसकी करेक्शन नहीं हुई है, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पर ही जो है वो वीडियो को स्टॉप करती हूँ। आपको प्रूफ करना हो तो मैंने प्रूफ करने का तरीका आपको बता दिया है किस तरह करेंगे आप, कि आप ए डॉट बी करेंगे, तो यानी आई आई से, जे जे से मल्टीप्लाई होगा, के के से, कोफिशेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, और आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर वन के इक्वल होता है, तो इनको आप शो नहीं करेंगे। जब आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये जीरो के इक्वल आना चाहिए। इसी तरह बी डॉट सी करेंगे, इसी तरह सी डॉट ए भी आप करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की जगह मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ, जिसमें हम जो है वो वैक्टर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूफ करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी करेक्शन की है मैंने इन क्वेश्चंस में, और इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। बुक में थोड़ी सी मिस्टेक थी जिसकी वजह से क्वेश्चन जो है हमारा प्रूफ नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं प्रूफ। अब हमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, अगर इफ़ ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट सी
equals to C dot A equals to 0, then vectors A, B and C are mutually perpendicular. ठीक है, अब क्वेश्चन में मैंने तब्दीली किया कि मैंने जस्ट वेक्टर्स की वैल्यूज़ को जो है वो चेंज किया है ताकि हमारा प्रूफ हो सके. ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं ए डॉट बी. ए वेक्टर है 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप डॉट 1/7 3i कैप बी वेक्टर है 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप और लेट कर लीजिएगा आप इसे ए और इसे बी और इसे सी के इक्वल. ठीक है, ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2/7 प्लस 3/7 प्लस 6/7. अभी मैंने 7 अंदर मल्टीप्लाई किया 1/7 तो ये हो जाएगा 3/7i कैप माइनस 6/7j कैप प्लस 2/7k कैप. ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 2/7 3/7 से हुआ तो 2 3 6 7 7 49 i कैप का स्क्वायर. अब आने आपको बताया i कैप का स्क्वायर 1 के बराबर होता है तो उसको यहाँ हम मेंशन नहीं करते हम. ठीक है, हम उसको i कैप हमें पता है i कैप का स्क्वायर जो है वो i कैप से मल्टीप्लाई हुआ i कैप का स्क्वायर 1 के बराबर होता है. इसे हटा देंगे प्लस 3 6 18 7 7 49 प्लस. अच्छा, यहाँ प्लस माइनस माइनस आएगी. अब 2 6 2 12 7 7 49. तो अब हम करें अगर सिंप्लीफिकेशन, 49 सबके नीचे मौजूद है, एलसीएम आ जाएगा 6 - 18 प्लस 12 एज इट इज़ क्योंकि सबके नीचे 49 एलसीएम मौजूद है. 12 और 6 हो गए प्लस के, दोनों प्लस का 18 और माइनस का 18 ही हो गया 0. तो ए डॉट बी आ गया आपके पास 0. इसी तरह से अब आप प्रूफ करेंगे बी डॉट सी को 0 के इक्वल. तो बी वेक्टर है 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप डॉट 1/7 6i कैप माइनस प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप. सिंप्लीफाई करें बी डॉट सी वेक्टर 1/7 है तो ये हो जाएगा 3/7 आई कैप माइनस 1 6 6/7 जे कैप प्लस 2/7 k कैप. 1/7 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 6 6/7 i कैप प्लस 1 2 2 j कैप/7 माइनस 3 1 3/7 k कैप. अब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को. बी डॉट सी इज इक्वल्स टू 3/7 6/7 से होगा तो 3 6 18 7 7 49 i कैप का स्क्वायर 1 के बराबर होता है बराबर है j कैप का स्क्वायर बराबर है k कैप का स्क्वायर इक्वल्स टू 1. 6 2 12 अच्छा माइनस प्लस होगी माइनस 6 2 12 7 7 49 j कैप प्लस माइनस माइनस 2 3 6/7 7 49 k कैप. बी डॉट सी 49 अच्छा ये j और k नहीं आएगा 49 सबके नीचे मौजूद है 49 एवन टाइम लिख दिया यहाँ पे 18 एज इट इज़ 12 एज इट इज़ 6 एज इट इज़ 6 और 12 दोनों माइनस के हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हो गया माइनस का 12 और प्लस का 12. अब थोड़ा फोकस ठीक है ये हो गया 0. इसी तरह से हम मालूम करेंगे सी डॉट ए इक्वल्स टू 0. सी है आपके पास 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप डॉट 1/7 2i कैप ए है वेक्टर प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप. इसको भी उसी तरह से करेंगे. C
सिक्स अपॉन सेवन आई कैप प्लस टू अपॉन सेवन जे कैप माइनस थ्री अपॉन सेवन के कैप। वन अपॉन सेवन हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, अभी वन अपॉन सेवन यहाँ भी करेंगे। टू अपॉन सेवन आई कैप प्लस थ्री अपॉन सेवन जे कैप प्लस सिक्स अपॉन सेवन के कैप। सी डॉट ए इज इक्वल्स टू सिक्स टू जेड ट्वेल्व अपॉन फोर्टी नाइन प्लस आई कैप का स्क्वायर वन के बराबर हो गया। टू थ्री जो सिक्स अपॉन फोर्टी नाइन, जे कैप का स्क्वायर वो भी वन के बराबर हो गया माइनस थ्री सिक्स जो एटीन अपॉन फोर्टी नाइन। ठीक है, अब ये देखिए प्लस प्लस दोनों प्लस के सिक्स और ट्वेल्व हो जाएगा एटीन, माइनस का एटीन अपॉन फोर्टी नाइन, तो ये भी हो गया आपके पास ज़ीरो के इक्वल। तो मैं लिखेंगे ए डॉट पी वैक्टर इक्वल्स टू ज़ीरो, इसी तरह पी डॉट सी वैक्टर्स इक्वल्स टू ज़ीरो और सी डॉट ए वैक्टर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। देन वैक्टर्स ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, प्रूफ्ड। यहाँ पर अब आप प्रूफ दे देंगे। ठीक है, ये हो गया सिंपली प्रूफ। ये मैंने आपको करेक्शन करवा के क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, आपके क्वेश्चन में जो मिस्टेक थी वो मैंने आपको बता भी दी। अगर हम यहाँ पर वन अपॉन सेवन अगर देखें, क्योंकि वन अपॉन सेवन इतना फासले पर दिया हुआ था, तो वन अपॉन सेवन अगर सबके साथ है, ठीक है, अगर सबके साथ है तो वन अपॉन सेवन, वन अपॉन सेवन, वन अपॉन सेवन। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मैं इसको भी करने की कोशिश करूँ वन अपॉन सेवन करके, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप, और यहाँ पर वन अपॉन सेवन करूँ तो ये टू अपॉन सेवन, थ्री अपॉन सेवन प्लस थ्री अपॉन सेवन। अब जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा टू अपॉन फोर्टी नाइन। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन फोर्टी नाइन और प्लस थ्री अपॉन फोर्टी नाइन, ये कैंसिल हो रहा है, अभी भी ये बच रहा है। तो ये करने से भी हमारे पास जो है वो सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही थी, इसलिए मुझे क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट ही करना पड़ा। ठीक है, बट आई होप, मुझे उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।